वेलकम टू होम शेफ 24/7। सो गाइस, हम बिल्कुल डोमिनो स्टाइल में यीस्ट फ्री गार्लिक ब्रेड्स बनाने जा रहे हैं, जो कि फिल्ड वन होंगी। एंड इस सर्दी के मौसम में गरम गरम गार्लिक ब्रेड्स खाने का मजा ही कुछ और है। सो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। सो यहाँ हम लेंगे एक कप ऑल पर्पज फ्लावर, विच इज मैदा, 1 टेबल स्पून शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1/4 कप बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, खाने वाला मीठा खाने वाला सोडा, 1 टेबल स्पून इटालियन हर्ब्स। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे, विच इज लिटिल ऑन सावर साइड, जो थोड़ा सा खट्टा हो हम उसको थोड़ा सा ऐड करेंगे। एंड अब हम इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, साथ में हम थोड़ा सा ल्यूक वार्म मिल्क हमने इसमें करके रखा है ऑलरेडी, हम धीरे धीरे उसे ऐड करेंगे। ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसे बिल्कुल डो की तरह रेडी करना है। गाइस, आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो रेडी होने वाला है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा डो जो है, हमने इसको अच्छे से नीट कर लिया है एंड थोड़ा सा इस पे ऑयल लगा दिया है ब्रश की हेल्प से। सो अब हम इसको थोड़ी देर कवर करके रखते हैं, एटलीस्ट फॉर 1/2 आवर, एंड फिर हम गार्लिक ब्रेड स्टार्ट करेंगे। हम इसको सेलोफेन पेपर की हेल्प से कवर करके रख देते हैं 1/2 आवर के लिए। अब हम इसे चेक करेंगे अप्रॉक्स 1/2 आवर के बाद। सो जितनी देर में हमारा डो रेडी हो रहा है गाइस, उतनी देर में हम गार्लिक बटर प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल स्पून सॉल्टेड बटर है एंड 1 टेबल स्पून गार्लिक है। सो अब हम इनको मिक्स करेंगे। बटर जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर है, ये ऑलरेडी सॉल्टेड बटर है तो हमें इसमें सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम कुछ अप्रॉक्सीमेट 1 टेबल स्पून इटालियन सीजनिंग्स भी इसमें ऐड करे हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा बटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है एंड आप इस बटर को यूजुअली भी बना करके आप एक कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं फॉर अप्रॉक्सीमेट 2-3 वीक्स एंड इसको कुछ होगा नहीं इस बटर को। सो आप नॉर्मल ब्रेड्स पे भी इसको लगा के यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम डो को चेक करते हैं। हमारा डो जो है वो रेडी हो गया है। थोड़ा सा हम इसको हल्के हाथों से वापस से नीट कर लेते हैं। सो देखिए, हमने इसको बहुत अच्छे से फ्लैट कर लिया है। हम इस पे कुछ जो सीजनिंग जो बटर बनाया था हमने सीजनिंग्स के साथ में गार्लिक बटर, अब हम इस पे वो थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चीज स्प्रेड आउट कर देंगे। चीज आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको मन हो। आई मीन इफ यू लाइक मोर चीज तो आप ज्यादा चीज ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कम चीज पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चीज ऐड ऑन कर सकते हैं। थोड़े से हमने कॉर्न भी इसमें ऐड किए हैं। व्हाटएवर टॉपिंग्स जो भी आपको इसमें ऐड करना हो, कैप्सिकम, कोरिएंडर और कोई भी टॉपिंग्स अगर आपको इसमें ऐड करना है, सो यू कैन ऐड इट एज पर योर चॉइस। और हमने यहाँ पे बस यही ऐड किया है, कॉर्न एंड चीज, थोड़ा सा मोज़रेला चीज मैं इस पर और स्प्रेड आउट कर देती हूँ जस्ट टू कवर दिस। अब हम इसकी एजेस में थोड़ा सा पानी लगा देंगे सो दैट ये अच्छे से सील हो जाए। यूं हम इसमें ऊपर से कट्स कर देंगे। प्रॉपर हम पूरा नीचे बेस तक इसको कट नहीं करेंगे, जस्ट ऊपर से ही स्लाइटली कट्स लगा देंगे हम।
सो गाइज हमारा अवन जो है वो 180 डिग्री पे हमने प्री हीट कर लिया है फॉर 10 मिनट्स एंड इट इज रियली हॉट। तो अब हम इसको हमारी गार्लिक ब्रेड जो है वो बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए एंड अब हम इसको मिडल सेक्शन में इसको हम बेक होने के लिए इसको 20 टू 25 मिनट्स बेक होने के लिए रखा है। एंड अगर आप इसको कढ़ाई या कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप अपने कढ़ाई और कुकर को ही 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिएगा एंड देन आप स्टील की प्लेट में उसको ग्रीस करके आप उसमें भी बेक कर सकते हैं। So, हमारी गार्लिक ब्रेड्स बेक हो गई हैं गाइस एंड नाउ इट्स टाइम टू कट देम आउट। इट्स रियली हॉट गाइस, आई डोंट नो आपको इसमें से स्मोक फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं इट्स सो चीज़ी, सो नाइस इट हैज कम आउट। आप ब्रेड भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से बेक हुआ है गाइस, आप देख सकते हैं ब्रेड भी बहुत अच्छे से बेक हुआ है। दिस इज जस्ट अ चीज, ये बहुत गर्म है, मैं अभी खा नहीं पाऊंगी। एंड सो गाइस आपको कैसा लगा मेरा ये गार्लिक ब्रेड्स एंड आई होप अब आप सब लोग इस रेसिपी को जरूर देखेंगे, जरूर ट्राई करेंगे एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज homechef_24_7 एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन विच इज ऑन द top of it. You can follow me on Instagram and Facebook with the same name homechef_24_7. I hope aapko ye mera video bahut hi pasand aaya hai and aap apne feedback comment section mein share karenge. So guys milte hain next recipe ke saath mein, tab tak ke liye toodle.